दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो हम ब्लेंडर के बेसिक्स के बारे में देख रहे हैं, और पिछली वीडियो में हमने देखा था मेटाबॉल्स को मेश में कन्वर्ट करने के लिए, और आज हम देखेंगे टेक्स्ट के बारे में, कैसे हम जो है अपने ड्राइंग में टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली जो है यहाँ ऐड क्लिक करना है, या फिर आप शिफ्ट के साथ ए दबाएंगे और आप यहां से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। और ये देखिए, यहां पे जो है टेक्स्ट आ गया है, और आप यहां से चाहें तो आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से, और बिल्कुल सिलेक्ट कर लेंगे हम। इसके बाद एडिट करना है तो सिंपली आपको टैब दबाना है, और यहां से आप जो है कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे कि हम टाइप कर लेते हैं TRAWYNG. तो कुछ इस तरह से आप इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं। और एडिट मोड से बाहर आने के लिए आपको टैब दबाना होगा, और आप यहां से इसे आप सेलेक्ट करके यहां से आप मूव कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसे रोटेट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार जो है, और आप चाहें तो इसे स्केल भी कर सकते हैं। यहां से स्केल करके आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, और कंट्रोल प्लस जेड कर लेते हैं तो, और तो इस तरह से आप जो है कुछ भी आपको आप अपने ड्राइंग में लिखना हो तो आप यहाँ से भी ऐड पर क्लिक करके टेक्स्ट पर आ करके आप जो है टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।